नमस्कार दोस्तों, पेश है फिल्म रिव्यू दो और तो प्यार। शादी में प्रेम और प्रेम में शादी तलाशती फिल्म है। शादी से बाहर प्यार ढूंढने वाले उलझे रिश्तों पर कई बार कहानियां और फिल्में बुनी गई हैं। यह फिल्म देखते समय दर्शकों को थोड़ा असहज करती है, लेकिन कला वही है जो सहज को असहज कर दे और असहज को शांत। वह एक बहुत ही संगीन मुद्दे को मजेदार और हल्के फुल्के ढंग से ट्रीट करती है। मुख्य कलाकार है विद्या बालन, प्रतीक गांधी, इलियाना डिक्रूज और सेंथिल रामामूर्ति आदि। निर्देशक है शीर्षा गुहा ठाकुरता। फिल्म दो और तो प्यार अपने आप में एक कसौटी है रिश्तों की। विवाह से बाहर कोई प्यार क्यों तलाश करता है? फिल्म दो और तो प्यार पहले आई फ्रेंच फिल्म लवर्स का हिंदी रूपांतरण है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। फिल्म शुरू होती है दो जोड़ों के बीच दिखने वाले सम्मोहक प्यार से। एक अभिनेत्री से एक कॉक बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक प्यार करता है। एक फोटोग्राफर को एक डेंटिस्ट से प्यार हो चुका है। दोनों जिनसे प्यार करते हैं वे आपस में शादीशुदा हैं। प्रेम क्या है? क्या ये साथ बिताया जाने वाला समय है, या ये पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाते किसी व्यक्ति के हाथों से फिसल चुका वक्त है? दो अलग क्षेत्रीय पहचान वाले कामकाजी लोगों के प्रेम के बीच दो अलग अलग रचनात्मक व्यवसायों वाले लोग आते हैं। दोनों अपना अपना रिश्ता छुपाते हैं। मोबाइल की लगातार बजती घंटियों को साइलेंट मोड वाले फोन को उल्टा रखकर अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे की पसंद में खुद को खुश रखने की कोशिश करते दिखते हैं और फिर दोनों का प्रेम पुनर्जीवित हो उठता है मातम के माहौल में। पुरुष और स्त्री के प्रेम प्रकटन की इन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण घटनाओं में ही फिल्म दो और तो प्यार का असली मर्म छुपा है। इस फिल्म से कई विवाहित जोड़े रिलेट कर पाएंगे कि शादी के कई साल बाद जब रिश्तों का चार्म खत्म हो जाता है, वो गर्माहट नहीं रहती, सेक्स नदारद हो जाता है, तो घर में कैसे हालात होते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी मजेदार है, खासतौर पर विद्या के मायके ऊटी में उसके परिवार के साथ के सीन्स, जहां विद्या और प्रतीक 12 साल बाद दादाजी के अंतिम संस्कार के लिए आए हैं, मगर उस दुख की घड़ी में भी कल्चरल डिफरेंस और दामाद पुनः अपना पानी की सिचुएशन कॉमेडी पैदा करती है। पर सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी खींची हुई लगती है। क्लाइमैक्स में रिश्तों का फाइनल वर्डिक्ट देने में निर्देशक जल्दबाजी करती हैं। आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या रिश्तों से निकलना इतना आसान होता है। एक्टिंग का पावर हाउस कही जाने वाली विद्या असल मायनों में फिल्म की हीरो हैं। उन्होंने बेहद उम्दा काम किया है। वह अपनी रोमानियत, चुलबुलेपन और इंटेंसिटी से काव्या को आकर्षक बनाती हैं। प्रतीक गांधी एक बार फिर चमकते हैं अनिरुद्ध के रूप में। उनकी और विद्या की केमिस्ट्री पर्दे पर मजे करवाती है। ये दोनों दर्शकों को हंसाते गुदगुदाते भी हैं। इलियाना डिक्रूज ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उन्हें थोड़ा और स्क्रीन स्पेस मिलना चाहिए था। फोटोग्राफर के किरदार में सेंथिल जितने हैंडसम लगे हैं, उतने ही जज्बाती भी। सहयोगी कलाकार, खास तौर पर पिता का चरित्र कहानी में मजबूती जोड़ता है। फिल्म की शुरुआत में बारिश में भीगती मुंबई का कोलाज फिल्म देखने का मूड पूरी तरह सेट करता है। बीच ट्रैफिक में पहले नोरा और ओनर का झगड़ा और फिर काव्या और उनके पिता का झगड़ा शीर्षा के निर्देशन के दो अनोखी लेकिन दिलचस्प हाईलाइट हैं। फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन आंखों को सुकून पहुंचाने वाले फ्रेम गढ़े हैं, किरदारों को उनके व्यवसायों के हिसाब से सही पोशाकें पहनाई हैं, और फिल्म का एक और ध्यान देने वाला पहलू है इसकी साउंड डिजाइन और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। यह फिल्म एक बढ़िया एक्सपीरियंस देती है। यह फिल्म आप जरूर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे अन्य वीडियो भी देखें। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, एक जरूरी मैसेज संदेश। सिगरेट और शराब के नशे से दूर रहे। अपने परिवार और दोस्तों को भी सिगरेट शराब के नशे से दूर करें और भारत को नशा मुक्त बनाएं। जय हिंद।